इन दिनों सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा एक MMS को लेकर काफी खबरों में बनी हुई हैं। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर अंजलि अरोड़ा ने जबरदस्त फैन फॉलोइंग बना ली है। उनकी फोटोज और वीडियोज आए दिन इंटरनेट पर वायरल भी होती रहती हैं। हालांकि हाल में ही उनका एक वीडियो वायरल होने से अंजलि खुश नहीं है, इतना निराश है कि अपने आंसू रोक नहीं पाई। दरअसल सोशल मीडिया पर एक MMS वीडियो लीक हुआ है। वीडियो में जो युवती है उसे अंजलि अरोड़ा बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अंजलि को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि अब अंजलि अरोड़ा ने इस MMS पर अपनी सफाई पेश की है। हाल में ही अंजलि ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो इस वायरल वीडियो में नहीं है। सुनिए अंजलि अरोड़ा ने इस वायरल MMS के बारे में क्या कुछ कहा है। समटाइम्स आई फील कि जब मैं ये सब चीजें देखती हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं, जिसमें मैं हूं ही नहीं उसको क्यों इतना फैला रहे हैं यूट्यूब पे फालतू की चीजें व्यूज के लिए कि अंजलि अरोड़ा का MMS है, ये इसके साथ ये है वो है। यार मेरी भी तो फैमिली है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे छोटे भाई हैं जो ये सब चीजें देखते हैं। अगर देखिए गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत कूल स्टेप्स हमने रखे हैं और ये रिक्रिएशन है और मतलब पुराने टाइम का बहुत ही सुपर हिट गाना है विजयंती माला जी का। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इनका रिक्रिएशन करने को मिला। एंड आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आपको पता चला कि एक रिक्रिएशन गाना हम करते हैं? आज तो ट्रेंडिंग में है रिक्रिएशन सॉन्ग की, आपका थॉट प्रोसेस क्या था इस गाने को लेके? मैंने जब ये गाना सुना था तो इसका बीट जब हम पुराना सुनते हैं तो बहुत ही लाइक सॉफ्ट है ना, तो जब मैंने ये गाना सुना फुल्ली बीट हिप हॉप तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, डांस कि इस पे डांस बहुत अच्छा होगा। और इस गाने के अंदर बहुत ही अच्छा हमने डांस पूरा कोरियोग्राफ किया प्रिंस सर ने, मेरे को तो एक ही चीज़ दिमाग में आई, डांस। बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइक ये पहले से इतना सुपर डुपर हिट सॉन्ग है तो इसकी मतलब एक हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि इसको और अच्छे से अच्छे लेवल पे लेकर जाना है। तो मैंने तो अपना 100% दिया है और अब आपका मुझे 100% चाहिए। आप इसको लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो और अच्छी अच्छी रील्स बनाओ। मैंने इसके ऊपर अभी कुछ न्यू नहीं बनाया है, सो अब हम बनाने वाले हैं। अभी हम सारे सभी इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा करके यहाँ पे सब वीडियोस क्रिएट करेंगे और मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे BTS हैं। जब हम शूट कर रहे थे तो मैंने सारे BTS शूट करवाए थे। लॉकअप की मैं बात करूं उसके बाद काफी टाइम बाद आपने यस लॉकअप के बाद ये मेरा जो मैंने लॉकअप के बाद शूट किया है दैट इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो ये पहला ही प्रोजेक्ट मेरा आया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। काफी वेट करा है आपने? यस यस। क्यों करा है इतना वेट? इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट हम मुनावर की बात करें उनका गाना आ चुका है। एक्चुअली क्या हुआ था, लिसन, इस गाने के लिए ना हमें कुछ ओपन लोकेशन चाहिए थी और ओपन लोकेशन के लिए हम मुंबई की बारिश में इतना दिक्कत है कि कभी जब भी हम डेट डिसाइड करते थे बारिश हो जाती थी उस दिन, तो हमारा गाना डिले 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 होता होता अब जाके रिलीज हुआ है। इट्स ओके, कहते हैं ना कि सबर का फल थोड़ा मीठा होता है। बहुत मीठा होगा। अंजलि जी, स्टार बनने के बाद की जर्नी अगर आप जानना चाहेंगे तो मतलब कि लोगों ने काफी पसंद भी किया आपको, कई लोगों ने आपको काफी जो है मतलब हेट कमेंट्स भी आ रहे हैं और मतलब कि लोगों ने काफी नेगेटिव कमेंट भी किए हैं। हाल ही में आपका एक मतलब एक MMS भी आया हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन आई थिंक। गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जाम। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा, जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजीपुर।